नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सबका अनपढ़ चैनल के बेसिक इलेक्ट्रिकल सीरीज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ रहे हैं हम लोग, आज है हमारा लेक्चर नंबर 11। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में। नेटवर्क थ्योरम्स में हम लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ ली थी, और उसके बाद हमने नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम, जिसके अंतर्गत आती है आपकी थेल्विन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, अब हम जो है नेटवर्क थ्योरम्स की एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। एक और चीज़ जो लग रही है मुझे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे बता देनी चाहिए आप लोगों को, अभी जो हम नेटवर्क थ्योरम पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी पढ़ रहे हैं डीसी सर्किट में। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोगों को एसी सर्किट में पढ़ेंगे, और एसी क्या होता है इसके बारे में आपको जब वहाँ पे बताया जाएगा तो आपको बहुत पूरे डिटेल से जो है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही आ रहा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, आपको क्या करनी है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमारी जो होती है, इसमें हम ऐसा लोड डिजाइन करते हैं, इस थ्योरम से हम लोड की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि हमारा उस लोड पे जो है आपकी मैक्सिमम पावर जो है ट्रांसफर हो सके। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम समझने के लिए आपको इसका थोड़ा सा फिगर बनाने के लिए आपको थेल्विन और नॉर्टन का जो है हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए, थेल्विन इक्विवेलेंट और नॉर्टन इक्विवेलेंट का। तो यदि आपने वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको जो है आई बटन पे वाला लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, आप उस लेक्चर को देखने के बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आएगा। अगर आपको थेल्विन नॉर्टन के बारे में हल्का सा भी आइडिया तो आप लेक्चर को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स में हमको ऐसा लोड फाइंड आउट करना है जिसके अक्रॉस जो है हम क्या कर सकें, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम एक लीनियर सर्किट लेते हैं, लीनियर सर्किट में एनालिसिस करते हैं, फिर उसकी क्या कंडीशंस निकल के आती है उसके बारे में वार्तालाप करते हैं। यहाँ पे चलिए मैंने एक थोड़ा सिंपल सा जो है किसी सर्किट का जो है एक बेसिक डायग्राम बना दिया है। ठीक है, तो आप अगर इस सर्किट को देखें, यहाँ पे आप ए बी तक जो है ऐसा जो है वी एस आर एस जो है, आप किसी भी सर्किट से अगर आपको थेल्विन मॉडल निकालना आता हो तो वी एस और आर एस की वैल्यू, वी एस और आर एस की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। बस वी एस की जगह वी टी एच, आर एस की जगह आर टी एच, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई सा भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहा, कितना भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहा, तो आप उसको ए बी से पहले ऐसा उसको आप बना सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ थेल्विन और नॉर्टन। ठीक है, मगर फिलहाल जो है आपको यहाँ पे देखना है, मुझे आर एल को इतना वेरी कराना है, इतना वेरी कराना है जो मेरी इसके अक्रॉस जो क्या हो सके, मैक्सिमम पावर जो है ट्रांसफर हो सके। ठीक है, तो आप देखिए इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सर्किट में आई निकालना पड़ेगा, आई एल मैं उसको कह सकता हूँ लोड, ये मैंने आई एल यहाँ से निकाली, तो आप आई एल की वैल्यू क्या कर सकते हैं, वी अपॉन आर, तो वी एस अपॉन आर एस प्लस आर एल। ठीक है, ये आपका आई एल हो गया। ठीक है, तो अगर आपको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर निकालनी है, पी एल आपको निकालनी है, तो आप इसको कर सकते हो आई स्क्वायर एल इंटू आर एल, मैं इसे कह सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं पी एल निकाल रहा हूँ तो मेरी पी एल की वैल्यू हो जा रही है वी एस स्क्वायर अपॉन आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे ऐसी कुछ कंडीशन चाहिए कि जो मेरी पी एल जो है मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, तो पी एल मैक्सिमम आने के लिए हमें जो है कैलकुलस का एक जो है क्लास टेंथ में हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था, टेंथ इलेवेंथ में, हम जो क्या करते हैं मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर आपको मैक्सिमा निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है डी पी एल अपॉन डी आर एल करना पड़ेगा और उसको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं उसे कुछ जीरो के इक्वल रखूंगा तो फिर मेरी क्या करेगी, कोई कंडीशंस आएगी। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप इस सर्किट में करेंगे तो आप, मैं लिख सकता हूँ डी पी एल अपॉन डी आर एल इज इक्वल टू, ठीक है, ये यहाँ पे क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में फॉर्मूला है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको हल्का सा आइडिया दे दे, अगर आपके पास कोई P अपॉन Q की फॉर्म में अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करना है तो होता है Q का स्क्वायर, Q जो का त्यों, P का डिफरेंशिएशन माइनस Q का डिफरेंशिएशन P जो का त्यों। तो सिमिलरली जो है यही चीज़ जो है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ आप इस सर्किट में थोड़ा सा और देखिए, थोड़ा सा और आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी, आपका सोर्स और वी आर एस, सोर्स रजिस्टेंस और सोर्स आपका क्या है,
कांस्टेंट है इस सर्किट में, ठीक है। एस और आर जो इस सर्किट में है वो कांस्टेंट है, आप जो है केवल आर एल की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहां से जब इसको लिख रहा हूं आर एस प्लस आर एल का पावर 4 और यहां पे हो गया है आपका आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर वी एस स्क्वायर, आर एल का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा वी एस स्क्वायर, यहाँ से आ गया है माइनस। अब आपको जो है इसको जो है करना है डिफरेंशिएशन, इसका ये हो गया 2 RS + RL, ठीक है, और साथ में VS² RL, ठीक है। तो जब आपको अब क्या करना है, मुझे मैक्सिमम पावर निकालने के लिए इस वैल्यू को जो है 0 पुट करना है, ठीक है। तो मैं इसको जो है इरेज करके यहाँ ऊपर पे लिख रहा हूँ, तो इसको जैसे ही मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा तो मेरे पास आता है आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 RS + RL VS² RL, ठीक है। तो वी एस स्क्वायर आपका वी एस स्क्वायर से कैंसिल हो गया है, ठीक है, आपकी जो है एक पावर जो है यहाँ इससे कैंसिल हो गई है, तो आपके पास जो बचता है, अब आपके पास बचता है आर एस प्लस आर एल इज इक्वल टू 2 RL, तो आर एस इज इक्वल टू आर एल, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन आ गई है किसी भी सर्किट में जो है मैक्सिमम पावर जो है आपकी तब ट्रांसफ़र होगी जब आपका जो है सोर्स रेजिस्टेंस जो है लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक है। ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए जो है मैंने जो है यहाँ पे ऐसा मैंने एक VS माना था, एक मैंने जो है सोर्स रेजिस्टेंस दिया था, और मैंने लोड रेजिस्टेंस को आपके सामने वेरिएबल मानते हुए डिफरेंशिएशन करते हुए उसकी वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो जो मेरी अब आर एल की वैल्यू आ रही है आर एस, ठीक है, तो अब मैं यहाँ से जो है मेरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का स्टेटमेंट निकल जाता है, ठीक है। ए सर्किट ट्रांसफर मैक्सिमम पावर इफ़ सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस, हमारा कोई भी सर्किट जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र तब करेगा जब हमारा जो है सोर्स रेजिस्टेंस जो है लोड रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अभी जो हम थ्योरम्स पढ़ रहे हैं ये हम केवल DC के बारे में पढ़ रहे हैं, जब इस थ्योरम्स को जब हम AC सर्किट में पढ़ेंगे तो हमारे जो है 3-4 अलग अलग केस निकल के यहाँ पे आएंगे, ठीक है, उनके बारे में जब हम AC में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। फिलहाल हम नेटवर्क ये पढ़ रहे हैं, आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ रहे हैं केवल DC के लिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो अब आप इसमें अगर आपको जो मैक्सिमम पावर है अगर आप उस मैक्सिमम पावर की वैल्यू निकालें तो आपकी उस मैक्सिमम पावर की वैल्यू आती थी PL इज इक्वल टू आपकी वो आ रही थी VS² आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है आप वैल्यू पुट कर दीजिए आर एस इज इक्वल टू आर एल, तो आपकी पी एल की वैल्यू हो जाएगी वी एस स्क्वायर अपॉन 4 RL, ठीक है। तो हम जो है विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमें ये रिजल्ट पता चला, इसके बेस पे जो हम जो है मैक्सिमम पावर जो है किसी भी सर्किट की निकाल सकते हैं जब हमारा जो है लोड वेरिएबल हो, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम सॉल्व करते समय आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कब लगा सकते हो, आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम तब लगा सकते हो जब आपका लोड वेरिएबल हो, ठीक है। व्हेन, मैं इस चीज को लिख सकता हूं व्हेन लोड इज वेरिएबल, ठीक है। अभी इस कंसेप्ट को आपको समझाएंगे लोड वेरिएबल का क्या इसमें लफड़ा है, ठीक है। तो चलिए एक पहले एक बेसिक सी सिंपल सी प्रॉब्लम लेते हैं किसी सर्किट में, फिर आपको जो है उससे समझाते हैं। चलिए यहाँ पे आपके सामने एक प्रॉब्लम दी हुई है, ये जो है मेरा एक कोई सर्किट इसने दिया हुआ है मुझे और ये कहता है, इस क्वेश्चन में उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल फॉर मैक्सिमम पावर
ट्रांसफ़र, ठीक है। आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए RL की वैल्यू बतानी है, एंड आल्सो उसने पूछा है फाइंड द मैक्सिमम पावर, आपको जो है मैक्सिमम पावर भी आपको बतानी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको इस तरीके के सर्किट को, इस तरीके के जो क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, आपको जो है इसका पहले एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। यहाँ से जो है, अगर ये ए और बी सर्किट को मैं कहूँ, तो आपको जिस लोड के अक्रॉस पूछा है उससे पहले वाले सर्किट को जो है मुझे इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाने में यहाँ पे जो है मेरी हेल्प करने वाली है थेल्विन थ्योरम, ठीक है। इस तरीके से जो, इस तरीके का जो मेरा सर्किट रहेगा, मैं कोशिश करूँगा ए बी को जो है कुछ इस तरीके से रिप्लेस करने की। ये हो जाएगा मेरा वी टी एच और ये हो जाएगा मेरा आर टी एच, ठीक है। आप इसे वी एस आर एस भी कह सकते हैं, वो अलग अलग आपका नाम लिखने का तरीका है, ठीक है। तो अगर आप इसे ऐसे रिप्लेस यहाँ से कर देंगे, ए बी को अगर आप ऐसे बना देंगे, तो आप कह सकते हो आपका सर्किट जो है मैक्सिमम पावर तब डिलीवर करेगा जब आपके आर एल की वैल्यू आर टी एच के इक्वल होगी, ठीक है। ये चीज़ आप पहली चीज़ कह दोगे, और दूसरी आप जो है पी मैक्स की वैल्यू भी आप कह दोगे कि आपकी वी टी एच स्क्वायर अपॉन आपकी फोर आर एल होगी, ठीक है। ये आपकी मैक्सिमम पावर होगी और ये आपकी आरएल की वैल्यू होगी। ये दो चीज़ें मैं कमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। मगर इसके लिए पहले मुझे सर्किट का इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा, ए वी टी एस निकालना पड़ेगा, तब जो है मैं इस सर्किट को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे को मैक्सिमम पावर इस सर्किट के अक्रॉस निकालनी है, तो मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले इस सर्किट का जो है वी टी एस निकालने के लिए आप क्या करते हैं, वी टी एस निकालने के लिए उसे जो है मैं सर्किट से रिमूव कर देता हूं, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको निकालना है वी ए बी, ठीक है, जिसे आप कह सकते हो आपका वी ओ सी भी हो सकता है, या इसे आप कह सकते हो आपका वी टी एच भी होता है, ठीक है। तो आप वी ए बी की वैल्यू बड़ी आसानी से जो है वोल्टेज डिवाइड रूल करके लगा सकते हो। तो अगर आपको ए बी के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो जाएगा 180 इंटू 150 अपॉन 150 प्लस 30, ठीक है। क्योंकि आपका जो है वोल्टेज डिवीजन रूल कहता है, मैं आपको दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, अगर ये आपका वी ए है, ये वी बी है, और ये आपका आर ए है, ये आपका आर बी है, और यहाँ से आपने जो है कोई वोल्टेज दिया, तो आपका वी ए की जो वैल्यू होती है वो होती है वी इंटू आर ए अपॉन आर ए प्लस आर बी, ठीक है। ये छोटे छोटे जो है शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, ये आपके जो है क्वेश्चंस को जो है तुरंत तुरंत सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर देंगी, ठीक है। तो आपका यहाँ से वी ए बी की वैल्यू जो आ गई है, वो आ गई है 150 वोल्ट। अब आपका वी ए बी बोले तो वी टी एच निकल गया है, अब आपको निकालना है आर टी एच, ठीक है। तो फॉर आर टी एच, तो हमारे पास आर टी एच फाइंड आउट करने के जो है तीन डिफरेंट तरीके जो है हमने थेवलिन और नॉटन में देखे थे। तो अभी जो है हम आर टी एच निकालने के लिए, ये हमारा जो है केस फर्स्ट यहाँ पे है, केस फर्स्ट में हमारा आर टी एच हमको तब निकालना है जब हमारे जो है सर्किट में केवल और केवल जो है आपके इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट होते हैं। केस फर्स्ट कौन सा है आपका, ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट, ठीक है। जब आपके सर्किट में केवल और केवल इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं, तब आप आर टी एच निकालने के लिए क्या करते हो, रिप्लेस वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स को उसके क्या करते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने की, साथ साथ में हम ये मानते हैं कि क्वेश्चन में जो हमें वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दिया हुआ है वो आइडियल है। अब आप, मैं बात करूँ अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स की, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जीरो। तो जीरो मतलब जीरो रेजिस्टेंस बोले तो आपने कर दिया है इसे यहाँ से शॉर्ट सर्किट। अब आपको जो है उस ए बी के अक्रॉस से जो है इस सर्किट का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना है। तो आप जो है ए बी के अक्रॉस से देखना है, मतलब आपकी जो है देखने की जो दृष्टि होनी चाहिए, वो देखने की दृष्टि आपकी इस तरीके से होनी चाहिए। अब अगर आप जो है ए बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, या आप आर ए बी निकालना चाहते हैं, तो आप इन दोनों को पकड़िए, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे
30 ओम और 150 ओम आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। चलिए अगर आपको विजुलाइज नहीं हो पा रहा है शुरू शुरू में, स्टार्टिंग में हो सकता है, जब आप पहली बार दूसरी बार जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, आपके नहीं समझ में आएगा ये सीरीज है पैरेलल है, तो ऐसे केस में घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको केवल अपना बेसिक फॉलो करना है। मेरा बेसिक कहता है कि मेरी करंट यहाँ ऐसे जा रही है, उसके बाद मेरी करंट दो पार्ट में टूट गई। तो जहाँ करंट दो पार्ट में बढ़ जाती है मींस वो दो कंपोनेंट आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके ये दोनों कंपोनेंट आपके जो है पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, आपको जो है इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो दो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो होता है R1 R2 upon R1 plus R2। तो सिमिलरली हो गया है यहाँ पे 30 into 150 upon 150 plus 30, तो 30 into 150 upon 180, तो ये हो गया है 6। तो यहाँ से आपका आ गया है 150 upon 6, या आप इसको जो है थोड़ा 6 ही हो गया आपका, 50 upon 2 बोले तो 25 ओम। तो यहाँ से जो है इस सर्किट में अब आपका जो है VTH निकल गया है और RTH निकल गया है, ठीक है। तो अगर मैं अब इस सर्किट को बनाऊँ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए, तो मेरा जो सर्किट जो है अब ये कुछ ऐसा बनने वाला है। मैं बात करूँ इस सर्किट में, तो इस सर्किट को जब मैंने इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करी थी तो मेरे VTH की वैल्यू आई थी 150 वोल्ट और मेरे RTH की वैल्यू आई थी 25 ओम। तो अगर मैं इसी सर्किट को जो है जब मैंने इसका AB के अक्रॉस जिसका मैंने थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाया था तो ये मेरी वैल्यू आ गई थी 150 वोल्ट और ये आ गई थी 25 ओम। और अभी भी जो है मुझे जो है इसकी जो वैल्यू RL की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेरा मैक्सिमम पावर थ्योरम का स्टेटमेंट मैं आपको दोबारा से एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। ए लीनियर एक्टिव बाइलेटरल सर्किट डिलीवर मैक्सिमम पावर अक्रॉस लोड व्हेन आपका जो है सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, जब आपका लोड रेजिस्टेंस होता है उस समय पे जो है DC के केस में आपका जो है सर्किट जो है लोड की तरफ में मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर अगर हम इस केस में देखें तो हमारा जो है जब हमारे RL की वैल्यू 25 ओम होगी उस केस में ही जो है हमारा सर्किट जो है मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा, और उस मैक्सिमम पावर की वैल्यू जो होगी Pmax की वैल्यू होगी VTH² × 4 RL। तो मेरा VTH आ गया है 150 × 150 upon 4 × 25। तो आपका यहाँ से जो Pmax आ गया है वो आ गया 225 वाट। ये यहाँ पे जो है मेरे सामने एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ RAB सो दैट दिस सर्किट डिलीवर मैक्सिमम पावर। मुझे जो है RAB की वैल्यू बतानी है जो ये जो है मेरा सर्किट क्या कर सके, मैक्सिमम पावर डिलीवर करे, और जो है आल्सो आपको जो मैक्सिमम पावर की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है जो भी ये सर्किट दिया हुआ है इस सर्किट का आपको क्या करना है, सबसे पहले थेवेनिन इक्विवेलेंट मुझे जो है इस सर्किट का बनाना है, ठीक है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए VTH और RTH, ठीक है। तो VTH होता है मेरा जिस कंपोनेंट के अक्रॉस आपको निकालना है उसे आप ओपन सर्किट कर देते हैं, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आता है वो आपका थेवेनिन वोल्टेज हो जाता है, ठीक है। इस केस में मुझे AB के अक्रॉस निकालना है, AB मेरा ऑलरेडी निकला हुआ है, तो अगर मैं जो है इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल दूं तो अगर जो मेरा VAB होगा वही मेरा जो है VTH होगा, ठीक है। तो अगर मैं VTH निकालने में सफल रहा उसके बाद जो है मैं RTH भी बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं सर्किट के अंदर देख के, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा टारगेट अगर VTH निकालना है तो मुझे AB के अक्रॉस क्या निकालना है, इस AB के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो अब अगर आप इस केस में यहाँ पे देखें तो VTH को या आप VAB को आप लिख सकते हैं, VAB आपका हो गया ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल, VA माइनस VV,
ठीक है, वी ए भी आपका है पोटेंशियल डिफरेंस, वी ए है आपका एक पोटेंशियल, वी बी है आपका एक पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां से अब आप देखिए इस सर्किट में थोड़ा सा अगर आप गौर कीजिए, तो अगर फिलहाल के लिए क्योंकि ये ओपन सर्किट है यहाँ पे, तो यहाँ तो करंट जानी ही नहीं है, ठीक है। हो क्या रहा होगा आपके इस सर्किट से जो है, ऐसा कुछ हो रहा होगा, कोई यहाँ से आई करंट आ रही होगी, आई वन करंट इस ब्रांच में जा रही होगी या आई टू करंट इस ब्रांच में जा रही होगी, ठीक है, पहली चीज। या दूसरी चीज आप ये समझ सकते हैं कि आपके ये दो, इसके रेफरेंस में ये और ये आपस में आपका पैरेलल में है, ठीक है। ये मुझे सर्किट में देखने में लग रहा है, क्यों, मेरी यहाँ से करंट जब गई तो दो पार्ट में टूट गई, एक आई वन में चली गई, एक आई टू में चली गई। मीन्स थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, आपके लिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने के लिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए, मैं इस सर्किट को जो है थोड़ा सा ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये अगर आप देखो तो आपका सर्किट जो है कुछ ये इस तरीके का बन रहा है। ये हो गया है आपका 20 वोल्ट और ये आपके दो रेजिस्टेंस आ गए हैं यहाँ पे, 3 ओम 4 ओम और ये आ गए हैं आपके 1 ओम और 2 ओम, ठीक है। और आपको जो ये वोल्टेज है यहाँ पे, ये वोल्टेज है वी ए और ये वोल्टेज है वी बी। तो आप वी ए और वी बी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका वी ए क्या होगा, वी आपका वोल्टेज होगा जो इसके अक्रॉस होगा, वी बी क्या होगा, वो वोल्टेज होगा जो आपका इसके अक्रॉस होगा। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, ये भी सीरीज में कनेक्टेड है, ये भी सीरीज में कनेक्टेड है दोनों, तो आप जो है वोल्टेज डिवाइड टूल लगा के जो है बड़ी आसानी से जो वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ आपकी वी ए की वैल्यू इस सर्किट में, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो 20 × 2/3, ठीक है। ऐसे ही आप वी वी की वैल्यू निकाल सकते हो, वी वी आपको निकालना है, वी वी वोल्टेज मतलब इसके अक्रॉस वाला वोल्टेज, तो आप लिख सकते हो 20 × 4/7, ठीक है। तो यहाँ से आपका है 40/3 और आपका वी बी यहाँ से आ गया है 80/7। मैं इंटरेस्टेड हूँ वी ए बी निकालने में, तो मेरा वी ए बी हो गया है 40/3 − 80/7। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, तो आपका हो गया है 21 VAB हो गया है 40/21 volt, ठीक है। ये आपका VAB आ गया है, ये आपका VTH इस सर्किट के लिए आ गया है, ठीक है। अब आपका जो है मोटिव है वो है RTH निकालना, ठीक है। तो RTH निकालने के लिए ये आपका पहला वाला केस का एग्जांपल है, जहाँ पे जो है सर्किट में आपका केवल और केवल क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो आप क्या करते हैं, जो भी आपका इंडिपेंडेंट सोर्स रहता है उसको आप उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इस वोल्टेज सोर्स की, तो उस वोल्टेज सोर्स का इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस हो गया है 0 और आपको निकालना है RAB। अब आपको सर्किट को यहाँ से देखना है, ठीक है। तो जब आप इस सर्किट को यहाँ से देख रहे हैं, तो अगर आप हल्का सा भी विजुअलाइज करें इस चीज़ों को, तो थोड़ा समझ में आ रहा है। आपकी करंट ऐसे गई, यहाँ दो पार्ट में टूटी, यहाँ से आप देखिए ऐसे गई दो पार्ट में टूटी, मतलब ये दो आपके पैरेलल में है, ठीक है, पैरेलल में है। फिर ये एक पॉइंट पे मिल गई, ये पॉइंट जो है सेम पॉइंट है, क्योंकि ये आपस में शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो अगर आप इसका सर्किट जो बनाए हैं, तो आपका सर्किट जो है कुछ ये इस तरीके से बनेगा। ये आपका आ गया है 1 ओम, यहाँ से आपका आ गया है 2 ओम, फिर ये इस पॉइंट पे कॉमन हो गया, फिर ये यहाँ से आ गया है आपका 3 ओम और यहाँ से आ गया ये 4 ओम, ठीक है। तो आपका सर्किट जो है कुछ इस तरीके से ये बन गया है। तो अब आप जो है आर ए बी जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, तो मेरी जो है आर ए बी की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मेरी आर ए बी जो है हो गया है, उसके लिए जो है मैं दोबारा से यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ। ये हो गया है आपका 1 ओम, ये हो गया है आपका 2 वोल्ट, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया है, और ये ऐसे हो गया है आपका 3 ओम और ये हो गया है यहाँ से 4 ओम, ठीक है। तो अब आपको आर ए भी निकालना है, तो मुझे लग रहा है अब आपको विजुलाइजेशन करना जो है बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है। ये दो पैरेलल में कनेक्टेड है, ये दो पैरेलल में कनेक्टेड है, फिर दोनों पैरेलल जो है आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले का इक्विवेलेंट हो गया 2 × 1/3,
ये हो गया पहले कैलकुलेंट प्लस दूसरे कैलकुलेंट अगर आप लगाएं 3 × 4/7 तो ये हो गया आपका 2/3, ये हो गया है 12/7, तो आप जब इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 21, तो ये हो गया है आपका 50/21 ओम जो है ये आपका आ गया है RTH और VTH आपका आ चुका है। तो अगर आप अब इस सर्किट का जो है इसको जो है इसका थेवलिन इक्विवेलेंट अगर आप बनाएं यहाँ पे हैं, तो ये अब थेवलिन इक्विवेलेंट जो है मेरा बन रहा है, ये मेरा बन गया है कुछ इस तरीके से, आपका VTH कह दीजिए, VAB कह दीजिए, कुछ इसके VOC भी कहते हैं, ये हो गया है आपका 40/21 वोल्ट और आपका RTH आया है 50/21 ओम और आपका जो है अब ऐसा जो है वो सर्किट जो है ऐसा बन गया है। तो आपको पता है हमारा सर्किट जो है मैक्सिमम पावर तब डिलीवर करता है जब हमारा जो है लोड रेजिस्टेंस जो है सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, तो इसका आंसर आ गया 50/21 ओम। ठीक है, अब आपको जो है इस RL के अक्रॉस जो है मैक्सिमम पावर निकालनी है, तो PL मैक्स की जो वैल्यू होती है हमने सीधा ड्राइव किया था VTH² / 4RL, तो आप यहां से सीधा सीधा निकाल सकते हैं VTH की वैल्यू है आपकी 40/21² × 4 × 50/21। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करके जो है इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो क्वेश्चंस करे हैं, तो इतना आपको अब समझ में आ गया है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाने के लिए जो है आपको थेवलिन थ्योरम आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसमें क्या करते हैं जो भी आपका पुराना जो पीछे का जो सर्किट होता है आपको पहले आप उसे जो है उसके थेवलिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हो, फिर आपका जो है जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू जो है आपके थेवलिन रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। इस तरीके से जो आप जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का जो है कोई भी क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से कर सकते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का। ठीक है, MPT में इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं, इसका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे निकलने वाला है। तो चलिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, आप लाइफ में जो है अपने से क्या उम्मीद करते हैं कि आप जो है लाइफ में जो है किसी स्टैंड पे जो है मैक्सिमम आउटपुट दें या आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लाइफ में क्या चाहते हैं कि आपका जो है पावर आउटपुट जो है मैक्सिमम हो या आपकी जो है एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। ठीक है, तो चलिए कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो है हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में भी देखने को मिलता है, एक रिजल्ट आएगा वो शायद रिजल्ट जो है हमारे लाइफ में भी अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो अगर आप देखिए मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल केवल समझाने के लिए ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने माना कि ये मेरा 4 वोल्ट है और ये मेरा 2 ओम है, कोई थेवलिन इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अगर आप देखिए मुझे जो है इस सर्किट में AB के अक्रॉस जो है अगर मुझे मैक्सिमम पावर डिलीवर करनी है तो मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि जो मेरा लोड रेजिस्टेंस जो है सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल हो। तो मेरा अगर RAB की वैल्यू अगर 2 ओम हो तो मैं जो है इस सर्किट में क्या कर सकता हूँ, मैक्सिमम पावर डिलीवर कर सकता हूँ। तो अगर मुझे जो है P अक्रॉस AB निकालनी है या जिसे मैं कहता हूँ P मैक्सिमम पावर जो है वो हो जाएगी मेरी V² / 4 × RL। तो यहाँ से V की वैल्यू है 16, ये हो गई 4 × 2 बोले तो 2 वॉट। ठीक है, तो मेरी जो है मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफ़र होगी वो होगी 2 वॉट। ठीक है, तो चलो जरा थोड़ा सर्किट में एनालिसिस कर लें, ये हो गई है 2 और 2 = 4 ओम, 4 वोल्ट, तो मेरी सर्किट में जो है 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो अगर देखिए इस सर्किट में, आपको देखिए इस सर्किट में हमारे दो तरीके के कंपोनेंट है, एक एक्टिव कंपोनेंट, एक पैसिव कंपोनेंट है। एक्टिव कंपोनेंट वो होते हैं जो सर्किट में पावर डिलीवर करते हैं, पैसिव कंपोनेंट वो होते हैं जो सर्किट में पावर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे दो पैसिव हैं, एक 2 ओम पैसिव है और 4 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है मेरा ये एक्टिव कंपोनेंट है। तो आप देखिए इसके अक्रॉस जो है 1 एम्पियर की करंट ऐसे जा रही है, मींस आपको बताया है अगर ये कोई जो है वोल्टेज सोर्स है और इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, वोल्टेज सोर्स से करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, तो हमारा जो है वोल्टेज सोर्स जो है पावर डिलीवर करता है और इस पावर की वैल्यू जो आ जाती है वो हो गई है 4 × 1 तो बोले तो 4 वॉट। ठीक है,
मतलब ये सर्किट जो है आपका पावर डिलीवर कर रहा था 4 वॉट, और आपने मैक्सिमम आउटपुट के लिए जब रेजिस्टेंस डिजाइन किया तो आपका जो है आउटपुट में आपको पावर मिल रही है 2 वॉट। ठीक है, तो अगर इसे आप थोड़ा सा जो है एफिशिएंसी के टर्म्स में अगर देखें, एफिशिएंसी होती है मेरी कितना आपका आउटपुट आया और कितना आपने इनपुट दिया, तो इस केस में जो है मुझे लोड के अक्रॉस जो है मैक्सिमम पावर मिली है वो मिली है 2 वॉट, और आउटपुट दिया है मैंने 4 वॉट, और मैं इसको 100 की फॉर्म में अगर निकाल रहा हूँ तो मेरी एफिशिएंसी हो जा रही है 50%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे आया है, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। अगर आप जो है किसी भी सर्किट को उसके मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए डिजाइन करेंगे, अगर आप किसी भी सर्किट को उसके मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए डिजाइन करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी 50% होगी। ठीक है, या कह सकते हैं इसके स्टेटमेंट को मैं जो है यहां पे लिख लेता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। इफ वी डिजाइन एनी सर्किट फॉर पी मैक्स आउटपुट, दी एफिशिएंसी इज 50%। ठीक है, तो अगर आप जो है इसको जो है अपने थोड़ा सा आप अपने लाइफ में भी देखें, तो अगर आप जो है मैक्सिमम पावर आउटपुट करना चाहते हैं तो आपकी एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, 50% हो जाती है। जैसे सपोज आपको जो है लगातार पढ़ना है, पर आपने क्या किया, आपने एक दिन सोचा मैं तो जो है 24 घंटे में से पूरा का पूरा 20 घंटा पढ़ाई कर लेता हूं, तो आप क्या होगा, आप पहले दिन तो 20 घंटे पढ़ाई कर लोगे, हो सकता है आपकी कंटिन्यूटी है तो आप दूसरे दिन भी 20 घंटा पढ़ाई कर लोगे, मगर तीसरे दिन फिर आपको नींद आने लगेगी, क्योंकि आपने क्या किया, आपने अपने शरीर पे मैक्सिमम पावर आउटपुट पे आपने ध्यान दिया, आपने एफिशिएंसी पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा स्टेटमेंट आ रहा है, आपने स्टेटमेंट आपने रियल लाइफ में भी देख लिया है, और यहाँ पे जो है मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है मेरे किसी सर्किट में भी आ गया है। अगर मेरा कोई भी सर्किट जो है वो मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए अगर आप डिजाइन करोगे तो उस केस में उस सर्किट की एफिशिएंसी 50% हो जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे आगे जब हम जो है डीसी मशीन पढ़ने वाले हैं तो हमारे वहां पे भी काम आने वाला है। फिर वहां से जो हम एक और स्टेटमेंट निकालेंगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए लाइफ में, मुझे लाइफ में चाहिए मेरी एफिशिएंसी क्या हो, मेरी एफिशिएंसी ज्यादा हो, क्यों, मुझे पावर आउटपुट से कोई मतलब नहीं है। आप पावर आउटपुट आप मैक्सिमम दे दोगे, देख तो लिया आपने आपकी एफिशिएंसी 50% हो गई है, तो वो क्या होता है, नो डिवाइस इज डिजाइन फॉर मैक्सिमम आउटपुट, एवरी डिवाइस इज डिजाइन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। कोई भी मशीन जो है आपकी मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए डिजाइन नहीं होती है, आपकी जो मशीनें होती हैं वो मैक्सिमम जो है एफिशिएंसी के लिए डिजाइन होती है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, नो डिवाइस इज डिजाइन फॉर पी मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, आपकी कोई भी डिवाइस जो है मैक्सिमम आउटपुट के लिए डिजाइन नहीं होती है, एंड दे डिजाइन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी जो है मैक्सिमम पावर थ्योरम जो है कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होती है, तो आपके किस सर्किट में, हमारे जो है लीनियर सर्किट, एक्टिव, पैसिव, ठीक है, बाइलेटरल, हमारा जो है कोई भी जो सर्किट जो है लीनियर होगा, एक्टिव होगा, पैसिव होगा, बाइलेटरल होगा, और कंटेन्स वन और मोर देन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स। ठीक है, अगर हमारा कोई भी लीनियर सर्किट है उसमें एक्टिव, पैसिव, बाइलेटरल और
एक या एक से अधिक डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो हमारा जो है मैक्सिमम पावर थ्योरम जो है अप्लीकेबल होगा। और दूसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है, आपकी जो ये अप्लीकेबल होती है, अप्लीकेबल ओनली फॉर लोड, ये आपकी केवल मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम जो है वो लोड के लिए अप्लीकेबल होती है। चलिए लोड के लिए कैसे अप्लीकेबल होती है इसको एक प्रॉब्लम देखते हैं, फिर आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ये गेट का क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइप क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे करा रहा हूँ। ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको फाइंड दी वैल्यू ऑफ आर, आपको इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू, जो आपको हमने स्टेटमेंट लिखाया था कि मैक्सिमम पावर थ्योरम इज अप्लीकेबल ऑन वेरिएबल लोड, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, ये आपके ये क्वेश्चन आपके पास जो है प्रीवियस एग्जाम में कुछ तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है, ये कह रहा है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ आर so that 50 ohm resistance deliver power maximum, ठीक है। आपको जो है R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस जो है मैक्सिमम पावर डिलीवर करे, मतलब 5 ओम का रेजिस्टेंस बोला इसने, मतलब कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है इस लोड की, ठीक है। ये कह रहा है कि आपका जो 5 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो लोड है। जनरली अभी तक हमने पढ़ा है हमारा सर्किट मैक्सिमम पावर कब डिलीवर करता है, हमारा सर्किट मैक्सिमम पावर डिलीवर तब करता है लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, जब मेरा लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है तो मेरा सर्किट मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है, ठीक है। तो चलिए आपने देखा, आपने इस सर्किट को यहाँ से हटाया और मतलब आपको लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल चाहिए, मींस 10 और R का आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, 10 और R का मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू चाहिए 5 ओम। ये कब पॉसिबल है, जब मेरे R की वैल्यू होगी 10 ओम, ठीक है। चलिए उस 10 ओम को, जब आपने इस R की वैल्यू 10 ओम ले ली है, अब आप जो है थोड़ा करंट की वैल्यू निकाल के अगर देखें तो यहाँ से हो गया है 5 ओम 10 10 ओम आपस में आपका है सीरीज पैरेलल में, तो हो गया है 5 5, तो आपकी करंट आ गई है यहाँ से 1 एम्पियर, और आपके जो है 5 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आपकी पावर हो जाएगी वो हो गई है आई स्क्वायर आर, तो आपकी आई की वैल्यू आई है 1, आर की वैल्यू 5, तो आपकी पावर आ गई है 5 वॉट, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर आपकी R की वैल्यू 10 ओम होगी तो आपकी पावर आएगी 5 वाट, ठीक है। चलिए अब जो है मेरे उस कंसेप्ट को रिमाइंडर करते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है कि मैक्सिमम पावर थ्योरम जो है आपकी वेरिएबल लोड या लोड के लिए अप्लीकेबल होती है और चीज़ के लिए अप्लीकेबल नहीं होती है, वो कैसे, थोड़ा समझिए। अगर मैं इस मानता हूँ कि मेरी इस R की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो अगर मैं जैसे इस R की वैल्यू 0 कहूँगा, मतलब मैं R की वैल्यू 0 बोले तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया, तो कहीं ना कहीं अब आपका सर्किट में आपका जो है क्या बोलते हैं पूरा का पूरा सोर्स रेजिस्टेंस ही खत्म हो गया है। इस केस में अगर आप आई की वैल्यू अब दोबारा निकालोगे आई वन, तो हो जाएगी 10/5 बोले तो 2 एम्पियर, तो इस केस में अगर आप पावर जब निकाल रहे हैं तो वो हो जा रही है आई स्क्वायर आर, तो ये हो गई है पावर 4 × 5 बोले तो 20 वॉट, ठीक है।
तो मींस अगर आपके आर की वैल्यू आप 0 ओम रखोगे तब आपका सर्किट जो है मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा, आपका लोड जो है मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगी। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है हमारी अप्लीकेबल होती है जहाँ पर जो है हमारा लोड जो है वेरिएबल होता है। इस केस में हमारा सोर्स वेरिएबल था, उसने सोर्स की वैल्यू पूछी थी, तो मैं तो चाहूँगा मेरा सोर्स का रेजिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम हो जाए, सबसे कम हो जाए, मैं तो चाहूँगा 0 हो जाए ताकि मेरी सारी की सारी करंट जो है लोड पे चल जाए, मेरे करंट की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो आर का आंसर होगा वो आर की वैल्यू होगी 0 ओम। ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ आर एल सो दैट दिस सर्किट डिलीवर मैक्सिमम पावर, ठीक है। आपको आर की वैल्यू बतानी है, जो आर एल की वैल्यू बतानी है, जो ये हमारा जो सर्किट जो है मैक्सिमम पावर डिलीवर करे, ठीक है। तो अगर आप इस पे देखें तो इस वाले सर्किट में, इस वाले क्वेश्चन में जो है मेरे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सोर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये हो गया है मेरा केस टू वाला केस, केस टू में जिसमें मेरे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट दोनों सोर्स जो है आपस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस केस में जो है मुझे अगर आर एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे आर एल निकालने के लिए मुझे जो है वी टी एच निकालना पड़ेगा, या जिसको मैं कह सकता हूँ वी ओ सी निकालना पड़ेगा, अपॉन आई एस सी जिसे मैं शॉर्ट सर्किट करंट बोलता हूँ या आई एन बोलता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैं अपना लोड रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है वी टी एच निकालने के लिए। वी टी एच निकालने के लिए आप क्या करते हैं, हम जो है उस कंपोनेंट को रिमूव कर देते हैं जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है, ठीक है, थेल्विन मॉडल जिसके अक्रॉस बनाना है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा प्लस माइनस वही आपका क्या हो जाएगा, वही मेरा वी टी एच हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है थोड़ा बात करें, पूरे सर्किट को देखें तो पूरा सर्किट में सारे कंपोनेंट आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो इसने यहाँ से लिख दिया है 1 ओम है, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी एक्स है, तो यहाँ से करंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसकी हो जाएगी वी एक्स अपॉन 1 एम्पेयर की करंट जो है इस सर्किट में फ्लो हो रही है, ठीक है। अब तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, इस सर्किट में जो अगर मैं सीधा सीधा जो है के वी एल लगाऊँ तो मेरा कुछ काम हो सकता है। तो मैं इस सर्किट में के वी एल लगा रहा हूँ, ये हो जा रहा है प्लस 12 माइनस वी एक्स, ठीक है। इसके अक्रॉस अगर बात करें प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस 1 into R into I, तो 1 into VX, तो ये हो गया है वी एक्स, और यहाँ पे माइनस 2 VX, ठीक है। तो ये हो गया है मेरा 4 VX = 12, 4 VX = 12, तो VX = आ गया है मेरा 3 वोल्ट, ठीक है। तो VX = आ गया है मेरा 3 वोल्ट। अब मैं I की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ यहाँ से, इस सर्किट में I की वैल्यू हो जाएगी मेरी 3 एम्पेयर, ठीक है, क्योंकि VX/1 एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। मेरा VX भी आ गया है, वो भी आ गया। अब मैं अगर केवल इस लूप में VTH VX इस वाले लूप में, इस वर्चुअल क्लोज लूप में अगर मैं अपना जो है KVL लगाऊं तो मेरी VTH की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल सकती है, ठीक है। तो इस वाले लूप में जो मैं KVL लगा रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं प्लस 12 माइनस VX और यहां से माइनस VTH, ठीक है। VX की वैल्यू आपकी आ गई है 3, तो 12 माइनस 3 इज इक्वल टू VTH, तो आपका VTH आ गया है 9 वोल्ट, ठीक है। अब आपको RL निकालने के लिए VTH तो निकल गया है आपका, आपको फोकस करना पड़ेगा IN पे या ISC पे, ठीक है। उस प्रॉब्लम में मैंने VTH निकाल दिया था, मेरा आ गया 9 वोल्ट। अब मुझे निकालना है IN या जिसे बोलता हूँ मैं ISC, ठीक है। तो हमेशा जो है ISC जो है जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालते हैं उस रेजिस्टेंस को आप वहाँ से रिमूव करते हैं, उस लोड को आप रिमूव करते हैं और उसे करते हैं आप शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया है शॉर्ट सर्किट। अब जो है जो मेरी इस ब्रांच में करंट फ्लो होगी उस करंट को ही जो मैं कहता हूँ नॉर्टन करंट या ISC, ठीक है। अब मुझे निकालना है ISC, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें आप प्लस माइनस, यहाँ पे VX इसके अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है और इसका वोल्टेज जो है ये वोल्टेज जो है हमारे जो है इस वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को भी वेरी करवा रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे VX आपको ऑटोमेटिकली दिया हुआ है तो आप I की वैल्यू यहाँ पे V/I, तो यहाँ पे आपकी VX करंट फ्लो हो रही है, IN करंट आपकी नीचे जा रही है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे VX - IN करंट आपकी यहाँ फ्लो हो रही है, ठीक है। अब आपको सर्किट में आपके पास 2 अननोन है, पहला है VX, दूसरा है IN, ठीक है।
तो हम दो इक्वेशन बना सकते हैं, एक इस लूप में केवीएल लगा दें, एक इस लूप में केवीएल लगा दें, तो हम जो है वी एक्स और आई एन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं पहले वाले लूप में केवीएल लगाता हूँ तो ये हो गया है प्लस 12 माइनस वी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो वी एक्स की वैल्यू मेरी आ गई है 12 वोल्ट। ठीक है, अब मैं दूसरे वाले लूप में अगर मैं केवीएल लगाऊं तो ऐसी मेरी करंट जा रही है, तो मैं वोल्टेज की पोलैरिटी मैंने दे दी है ऐसे, तो 1 वी एक्स माइनस आई एन, और यहाँ से हो गया है ये प्लस 2 वी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो हो गया है वी एक्स माइनस आई एन प्लस 2 वी एक्स। मैं वी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी है, तो मेरी आई एन की वैल्यू आ गई है 36 एम्पियर। ठीक है, तो अब मेरा आई एन भी निकल गया है 36 एम्पियर, तो मैं जो है अब यहाँ से जो है आर एल जो मेरा रेजिस्टेंस है, या जिसे मैं कह सकता हूँ मेरा नोडल नॉर्टन रेजिस्टेंस या थेल्विन रेजिस्टेंस, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी वी अपॉन आई, तो बोले तो 1/4 ओम। तो अगर मेरे लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 1/4 ओम हो जाएगी, तो उस समय पे जो है मेरा सर्किट मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा। ठीक है, वो और वो मैक्सिमम पावर जो डिलीवर होगी वो पी मैक्स कितनी होगी, वो हो जाएगी वी टी एच स्क्वायर इंटू 4 RL। ठीक है, तो यहाँ पे वी टी एच की वैल्यू आई है 9 × 9, ये हो गया 4 RL की वैल्यू 1/4, तो ये हो गया है आपका 81 वॉट। ठीक है, तो अगर मैं उस सर्किट का डायग्राम भी बनाऊं यहाँ पे समझने के लिए, तो ये मेरा वी टी एच आ गया है, यहाँ पे जो है मेरा वी टी एच आ गया है 9 वोल्ट, आर टी एच आया है मेरा 1/4 ओम, और आर एल जो मेरा लोड रेजिस्टेंस रहेगा वो भी मेरा रहेगा 1/4 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये केस टू है, जब आपके सर्किट में जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारा तीसरा केस, जब हमारे सर्किट में जो है केवल और केवल डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है, आपको बताना है ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू, जिससे जो है हमारा जो है सर्किट जो क्या कर सके, मैक्सिमम पावर डिलीवर कर सके। ठीक है, तो ऐसा हमने पिछली वाली क्लास में भी देखा, जब हमारे सर्किट में केवल और केवल डिपेंडेंट सोर्स रहते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय पे हम आउटपुट साइड से जो है कोई जो है एक अपने हिसाब से आर्बिट्री एक वोल्टेज की वैल्यू फ्लो कराते हैं, एक वोल्टेज की वैल्यू रखते हैं, फिर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और जो है उस तरीके से हमारी आर की वैल्यू निकल जाती है। जैसे जो है मैं सपोज मैंने जो है 1 वोल्ट की बैटरी सप्लाई किया, तो मेरा जो आर टी एच जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 जो मेरी उस सर्किट में वहाँ पर जो है मेरी करंट की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जब आपके सर्किट में केवल और केवल डिपेंडेंट सोर्स रहते हैं, तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, उस समय पर आपके वी टी एच की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अगर आपके सर्किट में केवल और केवल जो है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो आपका वी टी एच 0 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का जो है मैं आपको थेल्विन मॉडल ही बनाता हूँ, नॉर्टन मॉडल भी बनाता हूँ, और मैक्सिमम पावर निकाल के भी देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखिए यहाँ पे ये वी एक्स है, तब इसकी वी एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे वी एक्स आप मानोगे, कुछ मानोगे, तो मैंने कुछ वी एक्स अभी माना ही नहीं है, तो मेरा वी टी एच हो गया है 0। ठीक है, अब मुझे अगर आर टी एच निकालना है, तो आर टी एच निकालने के लिए मैं यहाँ से जो है आर्बिट्री जो है मैंने एक 1 वोल्ट की बैटरी से जो है कोई करंट जो है मैंने दिया। ठीक है, उससे 1 वोल्ट की बैटरी से मैंने मान रहा हूँ आई अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, आई में से 1/2 वी एक्स यहाँ जा रहा है। ठीक है, वी एक्स 2 करंट यहाँ जा रहा है, तो यहाँ जो करंट बच जा रहा है ये बच जा रहा है आई माइनस 1/2 वी एक्स जो है यहाँ बच जा रहा है करंट। ठीक है, तो अब आप जो है अगर सिंपल से जो है इस सर्किट में अगर आप जो है केवीएल लगाएं, तो आप जो है बड़ी आसानी से जो है आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वी एक्स क्या है, ये वी एक्स इसके अक्रॉस का वोल्टेज है, ये वी एक्स 1/2 वी एक्स यहाँ पे वी एक्स अभी आपने फिलहाल रख दिया है 1 वोल्ट, तो ये हो गया है 1/2, ये भी हो गया है 1/2। ठीक है, तो अगर आप इस वाले लूप में अब आप के वी एल लगाएं, तो आप कह सकते हैं ये हो गया है माइनस प्लस, करंट ऐसे जा रही है नीचे माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस 1 − 4 × आई माइनस 1/2, तो हो जा रहा है प्लस 1 − 4 I + 2, तो आपका ये हो गया 4 I = 3, तो I = हो गया आपका 3/4 एम्पियर। ठीक है, तो आपका ये I हो गया है 3/4 एम्पियर, तो आप RTH की वैल्यू निकाल सकते हैं V/I, तो आपका RTH हो जाएगा, V है आपका 1 वोल्ट, I आ गया है आपका
थ्री अपॉन फोर, तो आपका रेजिस्टेंस हो गया 4/3 ओम, जो है RTH की वैल्यू आपकी आ गई है 4/3 ओम। ठीक है, अगर आप बात करें इसी क्वेश्चन का, अगर मैं कहूँ आपको कि इस क्वेश्चन का आपको थेल्विन मॉडल बनाना है, तो थेल्विन मॉडल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, मैं थेल्विन मॉडल बनाने के लिए ऐसे कोई VTH रखता हूँ, ऐसे मेरा RTH आता है, इस केस में आपकी VTH की वैल्यू है 0, 0 वोल्टेज मतलब शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ये हो गया है आपका ऐसा, इस केस का जो है आपका ये बन गया है 4/3 ओम, इस केस का थेल्विन मॉडल। ठीक है, अगर आपको इसी क्वेश्चन का मैं कह रहा हूँ आपको नॉर्टन मॉडल बनाना है, तो नॉर्टन मॉडल बनाने के लिए क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को जो है आप करंट सोर्स में रिप्लेस करते हैं, कैसे, VTH/R करते हैं, VTH की वैल्यू है 0, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 0, तो करंट की वैल्यू 0 मीन्स करंट हो जाती है। अगर मैं कहूँ ये आपका नॉर्टन मॉडल है, ये IN है और ये आपका यहाँ पे RTH है, ऐसा आपका अगर नॉर्टन मॉडल बन रहा है, तो नॉर्टन मॉडल में करंट की वैल्यू जो है इस केस में पर्टिकुलर करंट VTH की वैल्यू 0 है, तो VT अगर आप IN की वैल्यू निकालें तो IN की वैल्यू होगी VTH/RTH। ठीक है, VTH की वैल्यू है 0, तो IN की वैल्यू हो जाएगी 0, तो आपकी जो है करंट 0 का फ्लो होती है, करंट आपकी फ्लो होती है जब IN आपका ओपन सर्किट हो जाए, तो आपका यही जो है ऐसा बन जाएगा इसका नॉर्टन मॉडल, ऐसा ही बन जाएगा इसका थेवलिन मॉडल। अब करते हैं मैक्सिमम पावर की अगर बात इसकी, तो मैक्सिमम पावर की जो वैल्यू आपकी होती है वो होती है PmaxV²TH/4RL। ठीक है, तो आपका VTH है 0, तो आपकी हो जाएगी मैक्सिमम पावर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो आपने निकाल दी कि आपकी मैक्सिमम पावर के लिए 4/3 ओम रेजिस्टेंस होना चाहिए, पर आपका सर्किट जो है मैक्सिमम पावर कितनी डिलीवर करेगा, मेरा सर्किट जो है पर्टिकुलर अगर इस केस की बात करो तो मैक्सिमम पावर जो है 0 डिलीवर करेगा। तो आपको यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, जब हमारे सर्किट में केवल और केवल जो है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उस समय पे जो है हमारा जो है सर्किट जो है मैक्सिमम पावर कितनी डिलीवर करता है, मैक्सिमम पावर 0 डिलीवर करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा समराइज कर देते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है हमारी डिजाइन होती है लोड के लिए, हमें लोड की जो है लोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर चाहिए, यही जो है हमारा मैक्सिमम पावर थ्योरम हमें बताता है। तो अगर जो है मैक्सिमम पावर थ्योरम की कंडीशन है, अगर हमारा लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, तो हमारा सर्किट में जो है मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा। हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है एक्टिव पैसिव लीनियर और बाइलेटरल एलिमेंट्स के लिए अप्लीकेबल है, नॉन लीनियर और यूनिलैटरल कंपोनेंट्स के लिए हमारी जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम जो है हमेशा लोड साइड के लिए अप्लीकेबल है, सोर्स साइड के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ऐसा मैंने एक प्रॉब्लम में भी देखा था। और कोई भी जो आपकी डिवाइस डिजाइन होती है वो डिवाइस हमेशा जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए डिजाइन होती है, ना कि मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए। हमने पर्टिकुलर एक केस लिया था, उसमें मैक्सिमम पावर आउटपुट के केस में हमने एफिशिएंसी देखी थी, हमारी एफिशिएंसी 50% हो गई थी। तो चलिए आज की क्लास को जो है हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जो है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिन दोस्तों को इसकी आवश्यकता है, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ में जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जो है हमारे उन दोनों ग्रुप्स को जो है आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं और जो हम आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान निकालने में जो है आपकी सहायता करेंगे। इसके अलावा जो है आज से रिलेटेड जो डेली क्वेश्चंस जो हैं वो गूगल ड्राइव का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जो है आप डेली क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी तक जो है हमारी 11 क्लासेस हो चुकी हैं, तो लगभग जो है हमारे 110 क्वेश्चंस जो है हमारे जो है उस गूगल ड्राइव पे अभी भी डाले हुए हैं। तो आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उनके आंसर्स निकालिए, उनके आंसर्स भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और उनके बाद जो हम एक लंबी सी क्लास लेके जो है उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।